पढ़े लिखे फैमिली इस करके पढ़ाई का मुल तो ही पै सकता जी अज उन्हों बिल्कुल होगा जी तो पौगा बस वो तो मुड़ के लिया नहीं जा सकता बट होर भी है वो याद में गेट भी बनना चाहिए अखबार चाहिए 12 लाख का चेक वाला कोई मिले तो है अज इत्थे शहीद मनदीप सिंह जी दे परिवार दे नाल उन्हां दा दुख वंडाउण वास्ते आए हैं। एक शहीद ने, एक पंजाब दे बेटे ने अपनी जान कुर्बान करके देश की रक्षा वास्ते जो आहुति दिती है इस यज्ञ दे विच उहदे वास्ते सारे परिवार का सरकार ते सारा पंजाब देण दे नहीं सकता। उन्हां दे परिवार दे नाल उन्हां दा दुख सांझा करन वास्ते दे सरकार कन्नों हर संभव जिहड़ी सहायता है आर्थिक मदद ते परिवार दे विच किसी नूं इक सरकारी नौकरी देण वास्ते जिहड़ा कैप्टन साहब ने भरोसा परिवार नूं दवाया वह उन्हां नूं कन्वे कीता है ते हर संभव प्रयास साडे नाल MLA साहब भी खड़े लाडी जी होर साथी खड़े असीं कोशिश करके इस परिवार के नाल दुख वंडाउण वास्ते हरेक संभव प्रयास साडा जारी रहेगा। बड़ी छोटी सोच का प्रगटावा लोग कर रहे हैं, कुछ जहर बीज रहे है आपसी भाईचारे को खत्म करने वास्ते। अगर वो ना रखना चाहते किसी कॉलेज का तो मैं आई बेनती करूँगा भी सरकार उन्होंने को केंद्र से उन्होंने है सरकार नवा को कॉलेज बना के उत्थे कोई भी ना रख सकती है। जिन्होंने जिन्हों की कॉन्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी उन्होंने नाम बदल के समाज के अंदर दो फाड़ करन दा एक बहुत ही ओछा प्रयास है जिस तो किसी भी लीडर नू किनारा करना चाहिए। सब तो पहला तो आम आदमी पार्टी नू अपनी तैयारी करनी चाहिए है भी उन्हां ते लगे जिहड़े इल्जाम उन्हां दा जवाब किवें देणगे ते कल अगर उन्होंने मुद्दों पर बहस होंगी है जो उससे सार्थक तरीके बहस करने वास्ते तैयार होंगे स्पीकर साहब का बिल्कुल गल क्लीयर आई है भी वह मुद्दे रखन उन्होंने पूरी डिस्कशन की जाऊगी। जिथे ताई किसानों वास्ते चिंता आम आदमी प्रकट कर रही है या अकाली प्रकट कर रहे हैं तो अकालियों पहले पूछना चाहिए भी तुम 10 सालों के किया की है किसानों वास्ते करजे माफ़ी दे थोड़े को 10 सालों के जोड़े 2,40,000 करोड़ का करजा चढ़ा के गए है वो किसानों का करजा माफ़ किया जा सकेगा वो ना करके अज नुक्ताचीनी कर रहे हैं। पर मैं हरेक अपोजिशन मैंबर इस गल का भरोसा दवाना चाहना भी वो सार्थक पॉजिटिव तरीके अपने मुद्दे रखन हरेक मुद्दे उत्ते बहस कराने का समय दिता जाऊगा। को कांग्रेस पार्टी ने पहले दिलों जिस दिन तो इन्होंने रात को सैशन बुला के इस इंप्लीमेंट किया कांग्रेस पार्टी उस दिन तो विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने
इन कॉन्सैप्ट इस एक्सैप्ट किया जी एस टी लागू होनी चाहिए है, पर सिर्फ नाम जी एस टी रह गया, वो स्पिरिट जी है गब्बर सिंह की वो आ गई, जिदे करके इन्होंने मल्टीपल टायर टैक्सेशन लाता, एक्सैसिव टैक्सेशन। राहुल जी ने जिहड़ा एजेंडा पेश किया मैक्सीमम स्लैब 18% की सी, तीन स्लैब सके जिन्होंने वधा के इन्होंने स्लैब विद इन स्लैब्स के अगे स्लैब जिहड़ा करके लोगों का गला घोटिया, वो खिलाफ अज तो नवजोत सिद्धू जी ने किया, कल सारा देश करूगा। तो मैं समझदा भी गुरदासपुर हल्के दे विच लोगों ने एक बहुत वड्डा सुनेहा जी एस टी नोटबंदी के खिलाफ सरकार को भेजे, जो हुण नहीं सुनना चाहते तो आने वाले समय से उन्होंने गुरदासपुर सॉरी गुजरात तो हिमाचल प्रदेश के भी आ सुनेहा मिल जूगा। देखो वो कुछ भी कर सकते हैं, पर पकोका दे विच अज तक वो डिस्कशन जारी है, तो सारे का आम मन है भी वो अजे बहस करके सारी गल को बाद जो साढ़े ना काम होया वो मुड़ नहीं सकता, अं कोई मंग नहीं रख, यादगिरी तो बननी चाहिए है, यादगिरी तो बननी चाहिए, यादगिरी जी दुनिया याद करे, यादगिरी यही होनी जी दुनिया याद करे, जो जो काम कर गया गल कह नहीं सकते कुछ कह के गए ये बारे नहीं आप कोई गल कर सकते, मतलब यह जहाँ जल्द ये आते कर जाते यह जी गल।